हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने जो वीडियो है वो आपका कैलकुलेशन ट्रिक का तीसरा पार्ट है। पार्ट दो मैं इसमें बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लीजिएगा। पार्ट दो हमने जो बनाया है उसमें हमने जो आपका जोड़ घटाना गुणा भाग होता है नॉर्मल जो सामान्य तरीके से होता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सीधे सीधे गुणा भाग, उसके बाद मैंने भिन्न का जोड़ घटाना बताया था। भिन्न का गुणा भाग बचा है तो भिन्न का गुणा भाग मैं थोड़ा उसको मैं जब पक्षांतर वगैरह सारी चीजें लेने लगूंगा ना उसमें मैं बता दूंगा। तो उसके पहले मैं जोड़ घटाना गुणा भाग ये इन सब में मैं दशमलव का लेकर के चल रहा हूँ, दशमलव में, ठीक है, डेसिमल, दशमलव में आज हम समझाएंगे गुणा भाग, जोड़ घटाना। जोड़ घटाना को जरूर बताएंगे, गुणा भाग अगर ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाएगा तो गुणा भाग भी बता देंगे, नहीं इसका सेकंड पार्ट भी बता देंगे, और इस दशमलव को कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और घात में कैसे इसको बदला जाता है, कहने का मतलब इसको हम घात में कैसे चेंज कर लेते हैं, घात से रिलेट कैसे रखता है, वो चीजें यहाँ पर हम समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। जो बच्चे कमजोर हैं पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो क्या होगा कि उनको भी परीक्षा आने वाली है, उनका एग्जाम जो आ जाएगा तो वो जो न्यूमेरिकल होगा आने भी लगेगा लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को जितना भी वीडियो मैं इस सीरीज में बना रहा हूँ सभी वीडियो देखिए, दो वीडियो वो था, तीसरा ये है, चौथा आएगा, इसी तरह क्रम बाई क्रम आएगा, ठीक है। और इसका टोटल जब वीडियो तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो वीडियो जरूर, वो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने मनपसंद प्लेलिस्ट भी। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहला हम काम करते हैं दशमलव से स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, दशमलव। तो दशमलव क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर आप एक बिंदु जैसा इसे देखते हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्या, दशमलव, क्या बोल रहे हैं, इसका नाम हम दशमलव दे रहे हैं, इसका नाम हम दशमलव, सॉरी इसका नाम हम दशमलव दे रहे हैं। दशमलव, ठीक, दशमलव मतलब डेसिमल, ये क्या है, डेसिमल, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को अपने हिसाब से हम समझाएंगे कैसे कैसे आपको रिलेट रखना है। देखिए दशमलव जो है हम रखेंगे तब जब हमें कभी भी जीरो जो होगा, जीरो को हमें घटाना हो, हटाना हो, लगाना हो, कुछ भी कर रहे हैं तो हम दशमलव का रूप में चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक संख्या लेते हैं हम 2.64 ऐसे है, तो अब आपको संख्या मिल गई यहाँ पर 5.63 ऐसे मिल गया, इनको बोल दिया गया कि जोड़ो, इनको क्या बोल दिया गया, जोड़ो, इनको बोल दिया गया घटाओ, इनको बोल दिया गया गुणा करो, इनको बोल दिया गया भाग करो, ये चारों चीजें आ सकती है इसमें, ठीक है। तो अब इसको करने से पहले आप दशमलव का पहले रूप समझ लीजिए, ये हमारा दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर आपका 6 है, 2 है, तो इसके बाद दशमलव है, मतलब यहाँ पर आपने 26 लिखा है, कितना लिखा है, 26, तो दशमलव इसके बाद लिखा हुआ, इसके बाद कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही ना, जब कोई संख्या ना दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें जीरो है, क्या है, उसमें जीरो है, तो इसके बाद हमें जीरो रख सकते हूँ, इसके बाद हमें जीरो रख सकते, कितना भी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जीरो रख सकते, यानी कि हमें इस बात से पता चल रहा है कि जब कभी भी कोई भी संख्या हो उसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है, मतलब इधर साइड आपके राइट साइड उसका कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव उसके लास्ट में है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 5 है, अब आप इसमें दशमलव ढूंढिए, इसमें दशमलव आपको कहीं पर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ बाहर है, और दशमलव के बाहर के बाद आप जीरो कितना भी जीरो लगा सकते हो जितना जरूरत हो, तो दशमलव आपको पता चलेगा कि हर एक संख्या बिना दशमलव की नहीं होती है, यानी हम दशमलव उसमें समझ सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 86 है, 86 है, 86 में दशमलव कहाँ पर दिख रहा है, बोलेंगे सर 86 में दशमलव कहीं नहीं है, लेकिन लेकिन दशमलव आपके बताए हुए नियम से दशमलव यहाँ पर हमें दिख रहा है, मतलब बाहर है, अब इसके बाद जीरो हम रख सकते हैं, मतलब कभी भी हम कोई संख्या दशमलव के बिना नहीं लिख रहे, बट हम उसे दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको लिख नहीं रहे, लेकिन दशमलव उसमें लगा हुआ है। तो दशमलव हमें कैसे पता चल गया कि यहाँ पर दशमलव है, ऐसे पता चल गया, तो बात को समझ गए ना कि दशमलव के बाद 2 जीरो हम लगा सकते हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब रही बात अगर दशमलव यहाँ पर नहीं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था आपका 86 लिखा था, 86 हमने यहाँ पर लिखा, दशमलव नहीं है तो कहाँ, बाहर है, परंतु अगर दशमलव है तो यहाँ पर रहे, यहाँ पर है, नहीं यहाँ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। और एक बात, जब दशमलव आगे ही लगा हो, पहले ही शुरू में ही दशमलव लगा, तो आपको जीरो रखना पड़ेगा,
क्यों जीरो रखना पड़ेगा? क्योंकि दशमलव के पहले कोई ना कोई संख्या होती है। जैसे देखिए, दशमलव लगा है तो इसका मतलब कोई संख्या लगी है, नहीं तो कोई संख्या है ही नहीं। इसका मतलब कोई संख्या है ही नहीं। जब दशमलव आपने लगाया इसका मतलब इसके पहले कोई संख्या है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो आपको जीरो रखना पड़ेगा। इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो आपको जीरो रखना पड़ेगा, तब आप इधर साइड में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप दशमलव लगाइए, इधर जीरो, इधर जीरो, जितना जीरो मन के इधर लगाइए, जितना जीरो इधर, ये रहा दशमलव का प्लेस, दशमलव का स्थान, ये इस तरीके से रहा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ना दिखाई दे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जैसे देखिए, ये दशमलव का आपका कारनामा तो पता ही हो गया। तब हम क्या करते हैं, मतलब दशमलव को हम जोड़ने लगे, घटाने लगे, तो हमें दशमलव के सीध पर दशमलव लिखना है, दशमलव के सीध पर दशमलव लिखना है। देखिए, इसको हमें जोड़ना है, हम इसको जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए कर क्या रहे हैं, इसको देखिए। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इसको हम जोड़ेंगे। देखिए, एक लिख रहे हैं, पहले 2.64 हमने यहाँ पर लिखा, 2.64। अब हमें ये दूसरी संख्या लिखना जो इधर जोड़ रहे हैं। पहले हम जोड़ काम कर रहे हैं, पहले कौन सा काम कर रहे हैं, जोड़ वाला काम कर रहे हैं, जोड़ वाला काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसके दशमलव को दशमलव सीध पर लिख दिए ना, दशमलव सीध पर दशमलव। अब देखिए क्या करना है, अब आपको जो इधर दशमलव का जो इधर संख्या है उसको इधर लिख दो, जो इधर है उधर लिख दो। जैसे देखिए, दशमलव के इस राइट साइड 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, और दशमलव के लेफ्ट साइड में आपका 6 है, 5 है, पहले 6 है फिर 5 है। दशमलव साइड से शुरू करना, हमेशा दशमलव के जो आपका दशमलव लगा हो, इधर की संख्या इधर साइड लिखो, इधर की संख्या इधर साइड लिखो, और हमेशा जोड़ घटाना इस साइड से। बात समझ में आई? तो हम देखिए इसको अब जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं, प्लस लगाए। अब जो भी 4 के सीध पर कुछ नहीं दिख रहा है ना, इधर देखिए 4 के सीध पर इधर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, तो 4 के सीध पर कुछ नहीं दिख रहा तो आप जीरो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते तब भी, लेकिन जीरो बढ़ा लीजिए। 4 में जीरो जोड़ेंगे 4, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और दशमलव में दशमलव की सीध पर हो जाएगा। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, और 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 5 ही। तो हमारा आ गया इतना, मतलब इसका जोड़ हमारा जो आ जाएगा वो हमारा जोड़ आ जाएगा आपका 58.94। इसी संख्या का जोड़ आपका ही आ गया। अगर हम घटाना की चर्चा करते हैं कि घटाना इसका कितना आएगा, तो घटाना करके दिखाते हैं। देखिए, इसी को हम घटाना करेंगे, पर हमें घटाना करने से पहले हमें याद करना है, समझना है कि घटाना कैसे हम करेंगे। घटाना हमेशा ज्यादा में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, ज्यादा। तो आप ये बताइए, ये 2 वाला ज्यादा है कि आपका 56 वाला ज्यादा है, कौन सा आपका ज्यादा है बताइए? आपका ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? खुद पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ज्यादा जानेंगे। तो पहले संख्या दशमलव के जो बाएं साइड है, जो इस साइड है, दशमलव के जो इस साइड है, पहले उसको पढ़ लीजिए, इसमें भी और इसमें, दोनों में भी। तो दशमलव की इस साइड 2 है और दशमलव की इस साइड आपका 56 है, तो कौन सा ज्यादा हुआ? 56 ज्यादा हुआ। हम 56 को ऊपर लिखेंगे, हम 56 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो 56 को चलते हैं ऊपर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं 56 को ऊपर लिख दिया, 56.3। अब वही काम जैसे जोड़ में आपने लिखा, वैसे घटाना लिखिए, दशमलव की सीध पर दशमलव, और इधर की संख्या इधर, और इधर की संख्या इधर। अब इधर बच रहा है जिसे जीरो लगा दो, और अब घटा दी, घटाइए। 0 में से 4 नहीं घटेगा, इधर कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 2, और इधर लेंगे कैरी 6 में से, तो अभी 12 बनेगा, 12 में से 6 गया तो 6, इधर बना दशमलव, इधर बचा है 5, अब 6 किसी पे 5, 5 में से 2 गया 3, और इधर बचा है 5, और ये 5 हो गया। इस तरीके से 53.66 आ गया। कितना आ गया? 53.66 आ गया। तो यहाँ पर हम इसका जो दशमलव का आंसर आया घटाना का, ये 53.66 आ गया। कितना आ गया? 6 और 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जोड़ और घटाना का काम। इसके बाद गुणा और भाग का आएगा, तो गुणा और भाग हम अदर पार्ट में लेंगे। इस दशमलव को हम खत्म करेंगे 2-3 पार्ट में खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए हम बेसिक्स पूरा बता रहे हैं, जो देखना हो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर चलिए हम चलते हैं इसकी तरह, और भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी तरीके से, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है 5.2 प्लस 8.632, इस तरीके से हो गया। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, वही दिक्कत है कि इसको हम इधर लिखेंगे कहीं पर। तो अब मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए मत, कहीं मत लिखिए, आप यहीं इसको जोड़ दीजिए, यहीं पर इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमें क्या करना है, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर कर लेना है। दशमलव के बाद मतलब राइट साइड वाला, दशमलव के बाद इसमें क्या है, 2 है। इस देखिए, इधर क्या है दशमलव के बाद, 32 है, और इधर क्या है, 2 है।
तो दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो एक 32 है और एक 2 है, तो 32 और 2 इसमें एक अंक है और इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक इसको भी बना दो, 0 लगा दो, 2 अंक बन गया, 0 लगाने पर 2 अंक बन गया, बन गया ना 2 अंक, 2 अंक पूरा हो गया, मतलब मेरा बराबर हो गया, अब किस्सा खत्म, बराबर हो गया किस्सा खत्म। अब चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ना हो तो चाहे जैसे जोड़ दो, घटाना हो तो बड़े वाले में घटा, जोड़ना हो चाहे जैसे जोड़ दो, घटाना हो तो बड़े वाले में घटा। जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ये जोड़ है, तो हम क्या करते हैं 0 और 2 तो 2 हो गया, उल्टा जोड़ना है उल्टा घटाना है। इधर से मैंने बोला देखिए इधर साइड क्या होना है, आपको इधर साइड से ही चलना है, इधर साइड से हमेशा चलना है, यहाँ पर 2 और इधर 0, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 होगा, फिर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, दशमलव के सीध पर देखिए इसमें भी दशमलव आ गया, इसमें भी दशमलव, दशमलव सीध दशमलव, उसके बाद हमारा इधर 6 है और 5 है, 6 5 11 एक हो गया, और 8 और इधर कुछ नहीं है, तो 8 में जो है 11 का कैरी था, तो 8 है 9, कुल मिलाकर 91 हो गया, 91.52। अगर यही घटाना होता तो हम 86 में से घटाते, किस में घटाते, 86 में से घटाते, घटाना होता तो इसका आंसर क्या आता देखिए, तब हम 86 में से घटाते, तो 86 में घटाते, 86 वाली संख्या क्या है, 86.32 है, तो पहले हम 2 में 0 घटाएंगे, जब 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, फिर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव के सीध पर दशमलव हो गया, 6 में से अगर 5 घटाते हैं तो 1 आएगा, और 8 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 8 आएगा। और एक बात इसमें क्या है, अगर घटाएंगे तो जिसमें बचेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे, जिसमें बचे उसी का चिन्ह लगाओ, याद रखना हमारी बात, जिस जो बचेगा उसी में उसी का चिन्ह लगाना है। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं ताकि चीजें समझ में आए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2.3 + 8.4 - 2.12 + 0.0043 ऐसे आ गए। अब बताइए बच्चों को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम, जो बच्चा कभी नहीं लगा इसको लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर जोड़ घटाना सभी दोनों मतलब कई बार आ गए, तब हमें कैसे करना होता है, रूल समझिएगा थोड़ा सा, हमें क्या काम करना है, बराबर वालों को जोड़ लेना है, किसको, बराबर चिन्ह को, बराबर चिन्ह को जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर घटा दीजिए, फिर घटा दीजिए, बस यही काम करना है, बराबर चिन्ह जोड़ो फिर घटाओ, बराबर चिन्ह जोड़ना फिर घटाना, बराबर चिन्ह जोड़ना फिर घटाना। देखिए बराबर चिन्ह कैसे जोड़ते हैं, चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह को भी समझ लीजिए, यहाँ 6 है, इसमें कौन सा चिन्ह है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब बताइए कौन सा चिन्ह है, माइनस लग गया ना, और अब बताइए प्लस लग गया ना, लेकिन इसमें बताइए फिर कौन है, अब इसमें आपको क्या ये चिन्ह दिख रहा है, माइनस इसके आगे है, नहीं है, तो इसका मतलब जब माइनस ना दिखे तो वहां पर प्लस, एक ही चिन्ह पहचानिए, अगर आपको माइनस न दिखे तो समझ लो वहां पर प्लस है, माइनस न दिखे तो वहां पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2.3 में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है इधर, इसका मतलब ये प्लस में है, और यहाँ पर 8 के पहले प्लस दिख ही रहा है, मतलब ये दोनों सेम है, उसके बाद यहाँ पर भी ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। तो ये तीनों को क्या करेंगे, पहले हम जोड़ लेंगे, बराबर चिन्ह जोड़ लीजिए, बराबर चिन्ह जोड़ लीजिए, इन तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने से पहले क्या काम करना है हमें, बराबर करना है, क्या करना है, बराबर, देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसी में कम है, इसमें आप 0 बढ़ा दिए, अब देखिए 2 2 अंक हो गया, बराबर 2 2 अंक हो गए ना, बस आप जोड़ लीजिए, देखिए 3 5 3 8 8 0 8 कितना हो गया, 8 हो गया, फिर इसमें 4, इसमें 4 4 8 और इसके बाद 3, तो 4 4 8 3 11, 11 की 1 कैरी 1, अब देखिए इसमें सभी में दशमलव आ गए, दशमलव लगा दीजिए, अब एक कैरी है पहले याद रखना, इधर इसमें संख्या खत्म हो गई लास्ट वाले में, और इसमें अभी 8 है, और इसमें 2 8 2 10 और 10 1 कैरी आपका 11 हो गया, कितना हो गया 11, यानी कि इन सब तीनों को जोड़ने पर इतना आया। अब घटाना वाला जोड़िए, घटाना वाला कोई जोड़ने लायक है ही नहीं, केवल अकेला है, अगर कोई जोड़ने वाला तो उसको भी जोड़ लेते, लेकिन घटाने में कोई है नहीं, कोई नहीं जोड़ने, बस इसी को हम लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाने का वही रूल जो पिछला है, पहले सबसे पहले संख्या की कौन ज्यादा संख्या है, इसमें 11, इसमें 2 ही ज्यादा, इसमें घटाइए, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा, दशमलव की सीध पर दशमलव हो गया, 1 में से 2 नहीं घटेगा, बने 11, 11 में से 2 गया तो हमारा यहाँ 9, और कौन सा 9 है, प्लस वाले में 9 है, जो चिन्ह इसके आगे लगाओ, इसमें बच रहा था ना, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, जहाँ कोई चिन्ह होता क्या होता है, प्लस, वहाँ क्या होता है, प्लस, इसमें भी प्लस रहेगा, मतलब इसमें चिन्ह लगाने, प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब अकेले हो तो नहीं लगाना,
ठीक है। इस बात को आप गौर से देखना, समझना कि आपको प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, और एक लगाते हैं यहाँ पर आपके लिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पर है सिक्स। इस तरीके से आज आपको हम कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर समझा दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें दशमलव है, ठीक है, दशमलव थोड़ा दिखे। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि सर और छोटा लिखिए मुझे दिख नहीं रहा है। अब बताइए, और छोटा लिखें मुझे दिख नहीं रहा, इसका कोई मतलब हुआ? मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है इसका मतलब? तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपको इस तरह नहीं दिख रहा है तो फिर क्या बताएं, आप HD क्वालिटी में देखा करिए ना, थोड़ा क्वालिटी को चेंज करिए, 1080 पिक्सल में देखिए, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं तो साफ ही बना रहा हूँ एकदम से, कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर हमें जोड़ना और घटाना वाला काम है। चलिए इसको लगाने से पहले हम वही अपने रूल पर चलते हैं। अपना रूल क्या है, सबसे पहले अपने रूल में है कि पहले जोड़िए किसको, बराबर बराबर वाले को जोड़िए, बराबर चिन्ह को जोड़िए। इसमें प्लस है, ये देखिए दोनों एक ही चिन्ह वाले हैं, माइनस माइनस वाले, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही चिन्ह वाले, क्योंकि इसमें भी प्लस है इसमें भी। पहले इन दोनों को जोड़िए, पहले में सब प्लस को जोड़िए, किसको जोड़िए, प्लस को, हमेशा पहले प्लस को फिर उसके बाद माइनस को, यही जोड़ना है। प्लस को जोड़ रहे हैं, अब इसको प्लस को जोड़ने से पहले दशमलव के पीछे के अंक को बराबर कर लीजिए। दशमलव पीछे कितने कितने अंक हैं सभी को बराबर कर लीजिए। इसमें एक अंक है, इसमें तीन अंक है, तो एक को तीन बनाया जा सकता है पर तीन को एक नहीं बनाया जा सकता। तीन अंक हमने कर लिए, तीन अंक हमने कर लिए। जब तीन अंक हमारा हो गया है तब हम क्या करेंगे, हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए लास्ट में एक है और इसमें क्या है, जीरो है, तो जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, फिर छह और जीरो जोड़ेंगे तो छह हो जाएगा, आठ और पांच जोड़ेंगे तो आठ पांच तेरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तेरह, तेरह की तीन हो गया, कैरी बच गया आपका, एक है कैरी बचा हुआ है। फिर यहाँ पर छह है, यहाँ पर छह, दो आठ एक नौ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक है, यहाँ पर छह है, तो छह एक सात हो गया, मतलब मेरा आ गया 79.361, इतना आ गया। अब हम घटाना को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, घटाना को, घटाना को जोड़िए। यहाँ पर देखिए घटाना को जोड़ते हैं तो दशमलव पहले, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर कर लीजिए। इसमें कितने अंक है, दशमलव बाद दो अंक है, इसमें भी दो अंक करना है, जीरो बढ़ा, अब बराबर होंगे, अब जोड़ दीजिए, 4 0 4 4 4 10 की जीरो, और दशमलव किसी पर दशमलव, एक कैरी बचा हुआ है, दो और छह, दो आठ एक नौ, एक कैरी जो था, और उसके बाद इसमें खत्म हो गया, इसमें लीजिए दो और छह है, दो और छह है, इस तरीके से ये दोनों आ गए। मतलब यहाँ पर हमें इसको घटाना पड़ेगा बस। अब इसको घटाने से पहले वही रूल जो पहले किया गया था, मतलब इसको हम घटा लेंगे तो पहले इसमें ज्यादा ढूंढेंगे, ज्यादा कौन सा है, ये निगेटिव में है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन ये ज्यादा वाला, क्योंकि इसमें देखिए दशमलव पहले 79 है और दशमलव पहले इसमें है 629, ये बड़ा है, इसको घटाना है। इसमें घटाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए संख्याएं कम है तो इसमें क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे, हमारी संख्या कितनी, तीन तीन अंकों की बराबर है, इसमें भी तीन अंक, इसमें भी तीन अंक, अब घटाइए। अब देखिए जीरो में से एक नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, 10 बनेगा, 10 में एक गया नौ, कितना बचा, नौ, इधर बचा है तीन, तीन में से छह नहीं बनेगा, इधर जाएगा 13, 13 में से अगर छह जाता है तो कितना बच जाएगा आपका, सात बच जाएगा। यहाँ पर बचा है नौ, नौ में से अगर तीन जाएगा तो छह, अब दशमलव के सीट पर दशमलव आ गया। फिर यहाँ पर बचा है आठ, क्योंकि इसमें से कैरी ही गया था, आठ में से नौ गया नहीं जाएगा, उधर कैरी लेंगे 18, 18 में से अगर हमारा नौ जाता है तो नौ, इधर बचा है आपका कितना, एक, एक में से जाएगा नहीं, इधर उधार लेंगे तो हमारा बनेगा कितना, 11, और 11 में से हमारा सात घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा बनेगा चार, ठीक है, 11 में से चार घटा दिए, चार। अब हम इसमें देखते हैं किसमें ज्यादा था जो हमारा बचा हुआ, अब यहाँ पर पांच था, कितना है पांच, इसको पांच रख दिए, ये माइनस में है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से जोड़ घटाना वाला काम करना है, जोड़ घटाना वाला प्रोसेस अच्छी तरीके से समझना है, जब जो कि आपको दिक्कत ना हो। अब रही बात, इसी को आप एक्स वाई जेड पर भी रख सकते हैं, सेम प्रोसेस एक्स वाई जेड पर रख सकते हैं, हम एक्स वाई जेड वाला दिक्कत समझा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपका 2.36x है और -8.5y है, -4.16x है और इधर आपका 8.243y है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, जब चर आ जाता है हमें चर को देखना पड़ता है, जब ABCD आ गया तब ABCD देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें ABCD को मैच करवाना है, ये एक्स वाला है तो ये एक्स वाला है, अब इसको जोड़ना है, और ये वाई वाला है तो इसको वाई वाला को जोड़ना है, ये काम देखना है। एक्स वाला जोड़ेंगे दशमलव पीछे, इसमें 16 मतलब दो अंक है, इसमें दो अंक नहीं, इसमें जीरो लगा के बराबर कर लेंगे।
अब छ और जीरो जोड़ेंगे, छ और जीरो जोड़ेंगे तो इसको हमारा जोड़ करके कितना हो जाएंगे, ये काफी। तो इसमें एक बात है, चिन्ह चिन्ह को जोड़ घटा सकते थे, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं, इसमें चर देख रहे हैं। अब चर को देखेंगे चिन्ह के हिसाब से, इसमें क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका मतलब ये क्या होगा, घटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो जीरो में से छह नहीं जाएगा, तो इधर धार कैरी 10 में से छह जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, चार। और इधर बचा है पांच, पांच में से एक गया तो हमारा चार, दशमलव सीधा दशमलव। अब इधर दो बचा है और इधर चार बचा है, अब बताइए उल्टा हो गया ना, घट नहीं पा रहा है। तो हमें जो ज्यादा था, ज्यादा कौन सा, चार था, इसमें से घटाना था, हम इसको घटा देते हैं, ठीक है, इसको घटा देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, छ में से देखिए यक्स की जगह पे यक्स हो ही गया, छ में से जीरो गया छह आया, इधर एक में से घटेगा नहीं, ग्यारह बनेगा, ग्यारह में से छह गया तो इधर पांच आया, फिर दशमलव सीट पर दशमलव आया, इधर इसमें चार में तीन बचा, तीन में से दो गया तो एक आया, और ये माइनस नेगेटिव, ये हमारा इतना आ गया। और इन दोनों को घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस से बराबर है, बराबर को जोड़ लेंगे, इधर आपका पांच वाई और इधर आपका 126 वाई, मतलब इसमें कम है, इसमें हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना, दो जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम काम करेंगे, दो जीरो बढ़ा के काम करेंगे, दिख रहा होगा, छ और जीरो जोड़ेंगे तो छ ही होगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे देखना, दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो जीरो और दो आपका दो ही हो जाएगा, एक और पांच हमारा छह हो जाएगा, दशमलव सीट पर दशमलव हो जाएगा, आठ और आठ आपका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। इस तरीके से ये हमने जोड़ लिया, और ये माइनस में था और ये भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस। अब ये कभी जुड़ घट नहीं सकता, ये वाई है और ये एक्स है, इसको ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमें चर को, हमें चर के हिसाब से जोड़ना घटाना होता है, ऐसा नहीं है उसको हम कभी चाहे जहाँ जोड़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्रोसेस को याद रखिएगा, समझिएगा बात को, डेसिमल के कारनामे को, अभी हम गुणा भाग बताना है, उसके बाद उसको हम 10 की घात से जो होता है, या आपका कैसे हटता है, कैसे लगता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे उस पार्ट में, ठीक है। याद रखना, जैसे आपको यहाँ पर दशमलव मिल गया, यहाँ पर मान लीजिए 2.63 है, अब इसका बोला जाए दशमलव, इसका हटाओ, हटाओ का मतलब आप बताइए, यहाँ पर तीन है, दशमलव कहाँ पर है इसमें, बोलेंगे सर इसमें दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोलेंगे सर आपने बताया था बाहर रहता है, मतलब यहाँ पर रहता है। अब आप ये बताइए, जब दशमलव हट रहा है तो इसका मतलब बाहर है, दशमलव हट रहा है इसका मतलब कहाँ है, बाहर, क्योंकि आपको दशमलव जब दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब हटा हुआ है, और जब हटा हुआ है दशमलव कहाँ रहता है, बाहर। ये दशमलव उठ करके अगर यहाँ चला है, समझ लीजिए हटा हुआ है, यानी कुछ इस हालात में हो जाए, समझ लीजिए दशमलव हटा है, जीरो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता दीजिए। इस हालात में लाने के लिए मैं दो अंक क्रॉस करूंगा, दो अंक जब क्रॉस करूंगा इसमें दो जीरो को गुणा करूंगा, कितने जीरो, दो जीरो। अब अकेले जीरो का तो गुणा होगा नहीं, चाहे एक लगाइए, चाहे दो लगाइए, चाहे तीन लगाइए, दूसरी संख्या को लगाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, एक को लगाएंगे तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके समझना है, दशमलव को हटाना और लगाना अगले पार्ट में मिलेगा, अभी धीरे धीरे करके बनता रहेगा। आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो कैलकुलेशन पार्ट देते हैं उसको लगाते रहिए और अच्छी तरीके समझिए। किसी भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर 20-25 प्लेलिस्ट नीचे है, अपने मनपसंद प्लेलिस्ट चेक करिए और समझिए सवालों को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हो सके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, सेकंड चैनल की, उसको भी आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहां पर हम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं, साथ ही साथ अर्निंग्स जैसे आपको पढ़ने के साथ साथ कैसे आपको थोड़ा बहुत कमाए वो भी बताते हैं उस पर, जरूर देखिए। बट अभी आपका एग्जाम पढ़ाई करिए, ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।